जी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जूडियो के चैनल पे। आज के लिए हमने जो दो तीन अपडेट है जो कनाडा की तरफ से आएंगे वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फ्लाइट्स के ऊपर जो अपडेट बताऊंगा, सेकंड जो हम बात करेंगे बीएफएस की ओपनिंग को लेकर काफ़ी जो बातें चल रही हैं उसके बारे में बताऊंगा, थर्ड में जो हम बात करेंगे कि जो कनाडा और इंडिया में जो केसेस आए वो कितने कितने आए हैं और क्या हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, और लास्ट में जो हम बात करेंगे ओपन अपॉइंट के काफ़ी जो क्वेश्चन आए हैं कि हमारी जो फाइल होल्ड पर चली गई थी टीए के साथ क्या उनके जो रिवर्ट हैं वो अब आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और उनका एक और क्वेश्चन आता है कि हमारी जो वाइफ की स्टडी है जो हमारे हस्बैंड की स्टडी है वो कंप्लीट हो गया तो हम अब हमारी फाइल है जो आगे प्रोसेस होगी या नहीं होगी। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूए की फ्लाइट्स हैं जो वो सस्पेंड हो चुकी हैं 30 जून तक। अब आप जूए में ट्रैवल नहीं कर सकते, जो बॉर्डर थे दुबई में जाके जो हम अपनी बायोमेट्रिक है वो करवा सकते हैं और जो हमारे पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो भी करवा सकते हैं, तो अब आप 30 जून तक जो दुबई में ट्रैवल नहीं कर सकते, उन्होंने जो हमारा ट्रैवल बैन है वो एक्सटेंड कर दिया है। और सेकंड जो हम बात करते हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि काफ़ी जो मैसेज वायरल हो रहा है कि जो इंडिया में वीएफएस है वो कल से जो ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बता दूं उनकी ऑफिशियल साइट पे उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ऐसी कोई भी जो न्यूज़ है वो नहीं आई है, तो आप इस पर बिलीव मत कीजिए। जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे बता दूंगा, तो आप जरूर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगले हम बात करते हैं कि इंडिया और कनाडा में जो केसेज हैं वो कितने कितने आए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंडिया में जो केसेज हैं 1,52,000 जो केसेज हैं इंडिया में जो रिकॉर्ड किए गए हैं कल, और जो दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 946 जो केसेज आए हैं वो 1,000 के नीचे जो वो केसेस आने लग गए हैं, तो अब पूरे पूरे चांसेस हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हम कनाडा की बात करें 2,237 जो केसेस हैं वो कनाडा में रिकॉर्ड किए गए हैं, अगर हम वहाँ पे ओंटारियो प्रोविंस की बात करें वहाँ पे 1,033 जो केसेस आए हैं और क्यूबेक में 315 जो केसेज आए हैं, तो दोनों कंट्री में जो केसेज की रफ्तार है वो कम होनी शुरू हो गई है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी ट्रैवल बैन है जब ओपन होगा तो हमारे लिए जाना जो आसान हो जाएगा कनाडा के लिए, तो आपको किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, जैसे कि आपको कनाडा में तो वैक्सीनेशन फुली चल रही है, बट अगर हम इंडिया की बात करें स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इतनी इतनी जो वैक्सीन है वो इंडिया में लग चुकी है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत कम नंबर है, तकरीबन 10% जो पीपल हैं उनको ही जो वैक्सीन अब लगी है, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल टाइम है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण है जो बहुत कम है जो वैक्सीन लगी है, क्योंकि पहले जो इंडिया ने काफ़ी जो एक्सपोर्ट की थी वैक्सीन, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में अगर इंडिया फास्ट करता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, बट अगर ऐसे ही चलता रहता है तो एक नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि आगे जब भी कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट है जो इम्प्लीमेंट करेंगी तब इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉब्लम आएगी ट्रैवल करने के लिए, तो इसको इंडिया को अब स्पीड अप करना पड़ेगा। और अगले हम बात करते हैं कि काफ़ी जने बोल रहे हैं कि मेरा पीपीआर लेटर मिल चुका है, काफ़ी को उनका लेटर जो एक्सपायर हो चुका है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर पीपीआर आपका लेटर एक्सपायर हो चुका है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऑफिशियली बोला था अगर आपका लेटर पीपीआर लेटर जो एक्सपायर हो गया तो अब भी आपका जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो उस पर हो जाएगी, तो आपको किसी तरह की जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में हम बात करते हैं कि ओपन अपॉइंटमेंट काफ़ी जो जिनकी फाइल है जो होल्ड पर चली गई थी उनके काफ़ी क्वेश्चन हैं, क्या हमारी फाइल्स हैं अब वैसी है जो वर्क उन पर करेगी या नहीं करेगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि अब तो शायद टीए की जरूरत है जो ना पड़े कनाडा में ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि वैक्सीनेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्पीड से चल रही है, अगर आने वाले सितंबर तक है जो सभी को वैक्सीन वहाँ पे लग जाती है तो मेरे पूरे पूरे चांसेस हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए जो इनकी फाइल होल्ड पर चली गई थी या फिर जिनका टीए होल्ड पर चला गया था तो उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि दूसरी फाइल वालों के रिवर्ट आएंगे वैसे ही उनको भी जो रिवर्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। और लास्ट में जो हम बात कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि हमारी वाइफ की जो स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी जो फाइल है एम्बेसी में है, बट अभी हमने नॉक एओबी लेवल की जॉब जो हमें नहीं मिली है, तो अब हमारी फाइल का क्या होगा, क्या वो होल्ड पर रहेगी या फिर उस पर है जो रिवर्ट है वो मिल सकता है, तो आपको ये कहना है तो उस पर अगर रिवर्ट मिलेगा या तो एम्बेसी आपसे जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर सकती है या फिर आपको रिफ्यूज़ल ही देगी, उसको जो होल्ड पर नहीं किया जाएगा। अगर आप उनके जो रिजल्ट देने से पहले पहले अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एम्बेसी को प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपको नॉक एओबी लेवल की जॉब मिलती है जल्द से जल्द जो अपनी फाइल में अपडेट कर दें और उनके सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर दें तो आपका जो रिवार्ड है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आज की वीडियो में सर आपको यही अपडेट देने, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आ सकूँ। ओके जी, थैंक यू।